जैसा कि ये फिल्म जो है सुपर नेचुरल थ्रिलर है, और जब थ्रिलर के एलिमेंट जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो एलिमेंट हैं वो सिर्फ नेचुरल एलिमेंट नहीं है, सुपर नेचुरल एलिमेंट है। एक घटना घटित होती है और कहीं ना कहीं उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए इस किरदार को, जो किरदार हम प्ले कर रहे हैं, इस किरदार को अपॉइंट किया जाता है। अब मिस्ट्री यही है कि वो किरदार नेचुरल होते हुए सुपर नेचुरल एलिमेंट के साथ कैसे उस मिस्ट्री को डील करता है या सॉल्व करता है। डायरेक्टर एक्टर जी, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। एडी इज ए फैंटास्टिक, वेरी ओबीडियंट एंड डिसेंट बॉय, और जो उनके भाई हैं वो भी एक संभला हुआ बच्चा है, और उनके पिता जो हैं सुरेश भगत साहब, वो बहुत ही पैशनेट और बहुत सीजन्ड प्रोड्यूसर हैं। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और एडी का फ्यूचर अब ये तो तय करेगा, क्योंकि किसी भी, आपका हार्ड वर्क उतना मायने नहीं रखता जितना फिल्म की सक्सेस और कमर्शियल सक्सेस मायने रखती। तो हम उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जितना वो हार्ड वर्किंग है उसको उसके हिसाब से उतना रिटर्न मिलना चाहिए, और मिलेगा। देखिए, हमने एक फिल्म की थी, हॉरर फिल्म थी, राज नाम की एक फिल्म की थी, और उसके बाद फिर, और वो प्योर हॉरर फिल्म थी, लेकिन सुपर नेचुरल थ्रिलर हमने कभी किया नहीं था। तो जब ये कहानी हमारे सामने आई तो निश्चित रूप से उसके अंदर एक वैसा एलिमेंट था जो एक किसी भी एक्टर को एक्साइट करता है और मजबूर करता है कि आप करें। और भगत साहब, क्योंकि सलमान साहब को इंट्रोड्यूस करने वाले सुरेश भगत जी, तो कहने का मतलब ये कि बहुत पुराने सीजन और मजे हुए निर्माता है। तो करने की कई सारी वजह थी, उनमें से एक वजह सुरेश भगत भी थी।